ऐसे नहीं फेंकते, कंधे होते हैं ना इनमें फोम लगा होता है, खराब हो जाएंगे। फोम के कंधे। हाँ जानी, हमें रोने के लिए जो कंधे मिलते हैं ना फोम के ही होते हैं, नकली, वरना इनके सीने इतने चौड़े और दिल इतने बड़े कहाँ कि हम जैसी उनको गले से लगा सकें। अच्छा सुन, मैडम को बिल्कुल ना बताएं कल रात क्या हुआ, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी। कोई जरूरत नहीं समझाने समझाने की, उसकी टांगों पे चल के गई थी, मेरी टांगे मेरी मर्जी, सारी रात इन पे नाचती हूँ, दो कदम अपनी मर्जी से चल के चली गई तो क्या हो गया। हो गई डायलॉगबाजी शुरू, बड़ी भूख लगी मुझे, कसम आ जा नाश्ते पे। मुझे नहीं भूख भूख। चुप करके आ जा, फिर पता ना क्या होगा। बड़ी सर्दी होगी भाई। अम्मा जी राम जी। हाँ इधर आओ जल्दी से। जी जी बड़ी बाजी। बच्चे ला के बारो, दोनों बच्चियों पे से देख कितनी प्यारी लग रही है, घर के कपड़ों में भी। जी रमशा किधर है? हाँ और ये जूस पियो, देखो तो कितना रंग पीला हो रहा है तुम दोनों का। हाय हाय, एक तो ये डाइटिंग ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे जमाने में फिरदौस जैसी लड़कियां हुआ करती थी, देख के दिल तो खुश होता था। हाँ पियो जूस। मैंने पूछा रमशा किधर है? हाँ हाँ जूस भी पियो और ये अंडे भी लो। हाँ सुबह मैंने ब्रेड भी मंगवा ली थी, पर तुम लोगों ने तो कसम खाई हुई है मेरी बात मानने से। रमशा किधर है? आराम से नाश्ता करो, हैं खूब खाओ पियो। और हाँ ये देखो, ये मैं ओवल्टीन भी लाई हूँ और बहुत कुछ लाई हूँ, फ्रिज भर दिया मैंने टिन फ्रूट के साथ, खाओ पियो ऐश करो। हैं उसे पाशा के साथ भेजा ना? अरे अरे तो खुल ही नहीं रहा मुझसे, किचन से खोल के लाती हूँ। तुझे क्या लगे रमशा, जिधर भी जाए उसकी मर्जी। पाशा पागल है, नफ्सियाती, उसने मना किया था फिर भेज दिया उसे। अपने काम से काम रखा। हाय लाडलियों के नाश्ते, हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं। खा लो तुम लोग भी, हमने अकेलियों ने खा लेना सारा कुछ। मैं नहीं खाती ये, मैं तो मक्खन बंद खाऊंगी। गरीबों वाली सोच है तेरी, इतना कुछ रखा है खा ले। नहीं मैंने अम्मा जीरा से कह दिया था मैं मक्खन बंद ही खाऊंगी, चाय देना। पड़ी है सामने, पी लो। मैडम कहती हैं ये मेरी बच्चियां मेहनत करके आई हैं, इनको खिलाओ, ये सब तो सारा दिन खाती रहती हैं। क्यों बाजी सवेरा? इसका तो बूथा ही कभी सीधा नहीं होना, बंदे को इतना भी मगरूर नहीं होना चाहिए। और तुम्हारी बकवास बंद नहीं होती, लड़की को नाश्ता भी नहीं करने दिया, उठा दिया। आप हर वक्त मुझे ही डांटती रहती हैं। तुम दोनों चुप करोगी?